होती है तो वो उसमें डलेंगे ही। स्टार्ट हो गया, चलिए सर आ जाएंगे हम। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी आधे एक घंटे बाद, ठीक जी है? ठीक मैम जी बिल्कुल, वो मैंने सब्सक्राइब भी कर लिया है बट वो मुझे मिला नहीं था। क्या हो गया पाल? पाल गुड क्या आफ्टरनून हो गया? सर। नहीं सर कुछ नहीं, नमस्ते। वो सर अमन सर, बात ये थी ना कि जिसने आपकी क्लास जिन्होंने नहीं की थी तो उनके नोट्स डालने की बात हो रही थी, तो मैं बोली कि अच्छा अब कोई नोट्स डालेंगे सर का, क्लासेस जो रिकॉर्ड हो रहा है तो आरसी के साइड पे सर हमारा आपका क्लास जो रिकॉर्डेड होता था तो हम लोग उसी से करते भी थे ना, तो दोबारा से सुनना होता था। तो मैं बोली कि उसका लिंक है मेरे पास, अगर ऐसा होगा तो मैं वहां सर से जो क्लासेस सर का वहां पर आता है रिकॉर्डेड वाला जो सर डालते हैं विजय सर, तो उसको मैं शेयर कर दूंगी। तो बस वही बात हो रही। ठीक है, सर अच्छी आपसे बात। एक परमिशन चाहिए थी, हम लोगों ने आपकी क्लास का ग्रुप बनाया है, अगर आप बोलते हैं तो आपको भी उसमें ऐड कर दें। मुझे ऐड करोगी? जी मैम सर, कर सर दो। फिर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा तो आप उसमें रिप्लाई कर देना, बट मैंने पहले इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि फालतू उसमें कुछ ना डालें क्योंकि उसमें आप भी होंगे तो फिर वो आप भी डिस्टर्ब होंगे। हाँ ये फालतू जो करते हैं ना बीच में, ये मुझे बहुत अटपटा लगता है। जी और सर, हाँ मैं वो भी वही चीज मैं भी बोल रही थी कि बस डिस्कशन भी उसी बात मतलब पे हो कभी रहा कोई था। ऐसा होता फालतू है कुछ तो करेंगे तो सर मैं आपको ग्रुप हाँ एडमिन बना देती हूँ, हम लोग ग्रुप सेटिंग चेंज कर देंगे। नहीं, मुझको एडमिन मत बनाओ, एडमिन मत बनाओ, मुझको ऐसे ही उतना करने की नंबर जरूरत पर। नहीं है, सब मेच्योर बच्चे हैं, एक हाँ बात में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी मेच्योर, बात है, हाँ नहीं तो उनको एग्जिट ही कर दो। जी, ठीक है। मतलब मुझे एडमिट करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है मतलब एक जो क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो जैसे लगता है कि कभी कभी बच्चों जैसी लोग बातें करते हैं। एक तो नोटिस आएगा कि नहीं, सेकंड ईयर का एग्जाम है, सपोज सेकंड ईयर का एग्जाम का नोटिस निकल गया। चलो भाई अब इससे कि सेकंड ईयर का एग्जाम, सेकंड के बाद से एग्जाम देंगे, फिर वहां चार लोग पूछेंगे मैं तो फर्स्ट ईयर का हूँ, मेरा एग्जाम कब होगा, मेरा नोटिस कब निकलेगा। अरे बात तो सेकंड ईयर की हो गई, फिर फर्स्ट ईयर का कहाँ से बात होगी। एक्चुअली सर पता है इसके लिए अलग ग्रुप बनाए थे कि किसी का कुछ डाउट्स होगा तो वहां पूछे, लेकिन सब वहां कोई पूछता ही नहीं है, सब इसी में बोलते हैं, इसलिए मैं भी नहीं बोलती हूँ ग्रुप में ज्यादा, बहुत कम ही, अगर जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा रेयरली तो ही मैं कभी बोलती हूँ, नहीं तो नहीं बोलती हूँ अभी। हाँ तो पायल राणा बोल रही? अच्छा हाँ जी सर, अच्छा तो वही है, मतलब मुझे जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आप जब चाहें तब, जैसे चाहें चाहें मुझे आप फोन करके पूछ सकते हैं। मैं और हर टाइम अवेलेबल हूँ, हर टाइम, जब मैं कॉलेज में रहूँगा तब उस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन कॉलेज से आने के बाद अभी जस्ट जानती हूँ 10 मिनट हुआ मैं कॉलेज से आया, अरे भोजन नहीं किया हूँ, अभी तुम्हारा क्लास करूँ उसके बाद भोजन। तो उसके बाद कॉलेज से आने के बाद मैं 4 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक मैं जब चाहे तब जैसा चाहो वैसा उनसे पूछ सकती जी जी सर। हूँ। सर आपका चलो ये फोन नंबर व्हाट्सएप पे शो नहीं हो रहा, नंबर यही था ना आपका, नहीं, 9337311721। ये तो ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ये नहीं है। जी सर व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए ताकि आपको भी ऐड कर दें। हाँ तो बस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस वो मैं क्या भेज होता है दूंगी बच सर, ग्रुप में भेज हाँ दूंगी। ठीक, एक ठीक है पायल जी। हाँ सर, स्टडी का टाइम वेस्ट हो रहा ना, 1 घंटे का क्लास होता है, हाँ आप स्टडी स्टार्ट वही कीजिए, तो वो मैं सर, भेज दूंगी वहां पे। जी हाँ बहुत लोगों को पता है। खैर छोड़िए, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि वो ध्वनि आपके मुंह से निकली और कान तक पहुंची। अच्छा कान तक तो पहुंची, कान में फिर क्या हुआ? उसके लिए हमने तीसरा पॉइंट लिखा है, श्रवणिक ध्वनि विज्ञान। वहां हेडिंग दीजिए श्रवणिक ध्वनि विज्ञान, श्रवणिक ध्वनि विज्ञान। हमारा कान 3 भागों में बटा है, हमारा कान 3 भागों में बटा है, जिसे बाह्यकर्ण, मध्यवर्ती कर्ण, जिसे बाह्यकर्ण और अभ्यंतर कर्ण कह सकते हैं, जिसे बाह्यकर्ण, मध्यवर्ती कर्ण और अभ्यंतर
अभ्यंतरकरण कह सकते हैं। तो ये तीनों जो कान के हमारे स्तर हैं उनसे हम कैसे कैसे सुनते हैं उसको जरा आगे फिर देखेंगे, जरा देखो क्या होता है। कान की गुफाएं ध्वनि को धीमी करना शुरू कर देती हैं। ये जो कान की बनावट है हमारी, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही नहीं किया है, टेढ़ा मेढ़ा अगर नहीं होगा तो तुरंत आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, इसीलिए ईश्वर ने बहुत सोच समझ के बनाए। तो कान की गुफाएं ध्वनि को धीमी करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि कान के पर्दे कोमल हैं, क्योंकि कान के पर्दे कोमल है। आने वाली ध्वनि तरंगों को इकट्ठा कर आने वाली ध्वनि तरंगों को इकट्ठा कर मध्यवर्ती या आंतरिक कर्ण तक, मध्यवर्ती या आंतरिक कर्ण तक पहुंचाती है। मध्यवर्ती कर्ण एक छोटी सी कोठरी है, मध्यवर्ती कर्ण एक छोटी सी कोठरी है। जिसमें तीन छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, जिसमें तीन छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, इन अस्थियों का एक सिरा बाह्य करण की झिल्ली से जुड़ा होता है। इन अस्थियों का एक सिरा बाह्य करण की झिल्ली से जुड़ा होता है। और दूसरी ओर इनका संबंध और दूसरी ओर इन अस्थियों का एक सिरा बाह्य करण की झिल्ली से जुड़ा रहता है, और दूसरी ओर इनका संबंध आभ्यंतर करण के बाहरी छिद्र से होता है। और दूसरी ओर इनका संबंध आभ्यंतर करण के बाहरी छिद्र से होता है। इन दोनों के बीच यानी आभ्यंतर और मध्यवर्ती के बीच, इन दोनों के बीच एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है, एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है। भीतरी सिरे की झिल्ली से, भीतरी सिरे की झिल्ली से श्रावणी शिरा के तंतु, श्रावणी शिरा यानी जो हम कान से सुनते हैं वे सारे नर्व्स, श्रावणी शिरा के तंतु आरंभ होते हैं। भीतरी सिरे की झिल्ली से श्रावणी शिरा के तंतु आरंभ होते हैं, यानी सुनने वाले जो नर्व्स वहां से स्टार्ट होते हैं, जो मस्तिष्क से संबद्ध रखते हैं, जो मस्तिष्क से संबद्ध रखते हैं। ध्वनि लहरें जब कान में पहुंचती हैं,
ध्वनि लहरें जब कान में पहुंचती हैं, तो कान के पर्दे पर कंपन करती है, तो कान के पर्दे पर कंपन उत्पन्न करती है। ध्वनि लहरें जब कान में पहुंचती हैं, तो कान के पर्दे पर कंपन उत्पन्न करती हैं। इस कंपन का प्रभाव व्यक्ति की अस्थियों द्वारा, इस कंपन का प्रभाव मध्यवर्ती करण की अस्थियों द्वारा भीतरी कर्ण शिरा के कर्ण की अस्थियों द्वारा, जो छोटे छोटे हड्डियां होती हैं अंदर, अस्थियों द्वारा भीतरी कर्ण शिरा के द्रव्य पर पड़ता है, द्रव्य पर पड़ता है। के कहाँ पे पड़ता है? द्रव्य द्रव्य प्रभाव भीतरी कर्ण की द्वारा भीतरी शिरा के द्रव्य पर पड़ता है, जो वहां जेल होगा, और उसमें लहरें उठती हैं, और उसमें लहरें उठती हैं, जिसकी सूचना श्रावणी शिरा यानी सुनने वाले जो नर्व्स है तुम्हारे, श्रावणी शिरा के, जिसकी सूचना श्रावणी शिरा के तंतुओं द्वारा मस्तिष्क में जाती है। और फिर हम सुनते हैं, और फिर हम सुनते हैं। हो गया, ये हो गया किस प्रकार आप सुनते हैं। तीन तरह के बातें हमने वहां पर नोट की, औच्चारणिक ध्वनि, तरंगी ध्वनि और श्रावणिक ध्वनि। उसके बाद एक हेडिंग दो जरा, ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है। एक छोटी सी परिभाषा है, किसी भी वस्तु से किसी भी तरह का, किसी भी वस्तु से किसी भी तरह का सर कुछ एक बार टॉपिक ऐसा हो, बताओ। क्या हुआ, किसी भी वस्तु से किसी भी तरह का कुछ ऐसा हो जाए जो सुना जा सके, उसे सामान्यतया ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, वैज्ञानिक दृष्टि से वायुमंडलीय दबाव, वैज्ञानिक दृष्टि से वायुमंडलीय दबाव यानी एटमोस्फोरिक प्रेशर में परिवर्तन, वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन या उतार चढ़ाव का नाम, उतार चढ़ाव यानी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वेरिएशन, उतार चढ़ाव का नाम ध्वनि है। कोई पूछे तो बता देना। अब देखो यहां पर ये एक बात सर हुई, वायुमंडलीय के बाद क्या बोला आपने? वायुमंडलीय के बाद दबाव बोला मैंने, वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन, वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन या उतार चढ़ाव का नाम ध्वनि है।
सर ब्रैकेट में वेरिएशन बोला था ना आपने, हाँ वो लिखना चाहो तो लिख सकती हो, उतार चढ़ाव को इंग्लिश में वेरिएशन लिख सकती हो, नहीं भी लिखना मतलब वो समझाने के लिए मैंने कहा, लिखना चाहो तो लिख सकती हो, नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे लोग अंग्रेजी में ज्यादा समझते हैं, हिंदी में कम समझते हैं, बहुत विडंबना है हमारे देश की। तो ये आपने देखा ध्वनि के कितने रूप हैं, कितने स्वरूप हैं, कितने तरह से आप ध्वनि करते हैं, आप अ आ ई क ख ग से लेकर के, अब हम इनको पढ़ेंगे। आप मुंह से आप आवाज निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, कैसे निकालते हैं और कैसे सुनते हैं, आपने ये पढ़ा। अब हम जरा कुछ देर के लिए क्लास वन में जाएंगे। क्लास वन में आप जो अ आ क ख ग पढ़ते थे, आपको अ आ क ख लिखना जानते नूतन जी म्यूट कर लीजिए। हाँ हैं? अ आ क ख लिखना जानती है तो नूतन, और लिखना वर्णमाला जानती हो तो तो अ आ ई जो है और क ख ग है, एक स्वर व्यंजन, एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो क्लास वन में जो पढ़ा था अब हम उसी को पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होते हैं, उनका उच्चारण कैसे होता है, किस ध्वनि का किस स्वर का उच्चारण कैसे होता है। तो आप हेडिंग दीजिए ध्वनियों का वर्गीकरण, और फटाफट हाथ चलाइए, जो छूट गया सो छूट गया, नहीं तो खत्म नहीं होने वाला। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये ध्वनि का वर्गीकरण लिखो, उसमें देखो क्या होता है। पहले आप सुन लीजिए, ध्वनि उच्चरित होती है और उच्चारण हो करके एक मुंह से श्रोता के कान तक पहुंचती है और श्रोता द्वारा। तो उच्चारण होना, उच्चरित होकर वक्ता के मुंह से श्रोता के कान तक पहुंचना और फिर सुना जाना, ये तीन बातें हैं, इन्हीं का हम वर्गीकरण करें। तो जिसमें स्वर और व्यंजन का के रूप में वर्गीकरण मिलता है अलग अलग तरह, क्योंकि स्वर के साथ व्यंजन को मिला नहीं सकते, व्यंजन के साथ स्वर को नहीं मिला सकते, इसीलिए अलग अलग उनका व्यंजन उसका वर्गीकरण किया गया है आसानी के लिए। स्वर में देखो, वहां लिखो एक हेडिंग दो जरा, स्वर। स्वर वह ध्वनि है इसका प्रश्न जिस, क्या है? क्या प्रश्न कुछ नहीं है, वह ध्वनि चल रहा है, प्रश्न है ध्वनि का वर्गीकरण, एक हेडिंग है ये सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों के वर्गीकरण में दो प्रकार के वर्गीकरण आएंगे, एक स्वरों के वर्गीकरण, एक व्यंजन का वर्गीकरण। तो उनकी परिभाषा आप पहले लिख लीजिए कि स्वर किसे कहते हैं। आप उच्चारण तो करते हैं ओ आ ई वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि स्वर भाई होता क्या है, तो बतानी पड़ेगी ना आपको, परीक्षा में लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखिए, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, अथवा सर रिपीट कर जो दीजिए। वह ध्वनि है जिसके चरण में हवा अबाध गति से, मुख विवर से, मुख विवर हम नाम लिखे ना पहले 22 में, उसी में से मुख विवर से यानी आपके मुंह से मुख विवर से निकल जाती है। हो गया? अथवा जो स्वतः उच्चरित है वह स्वर ध्वनि है, जो स्वतः उच्चरित है वह स्वर ध्वनि है, जैसे आ, जैसे आ। तो आ में क्या है, आपको किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं,
अपने आप वो आप मुंह खोल देंगे, हवा निकालेंगे, अपने आप अवा हो जाएगा। लेकिन व्यंजन में ऐसी बात नहीं। देखो नीचे व्यंजन, व्यंजन वह ध्वनि है, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। इसमें स्वर की सहायता ली जाती है, इसमें स्वर की सहायता ली जाती है। इसमें स्वर की सहायता ली जाती है। वाह, जैसे देखो आप क बोलेंगे तो क का उच्चारण आप तब तक नहीं कर सकते जब तक क के साथ अ नहीं जुड़ा होगा। क बोलेंगे तो अपने आप वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ख बोलेंगे तो के प्लस अ प्लस ह वो जुड़ना जरूरी है। ख का उच्चारण करेंगे ख प्लस ह प्लस अ, तब जाकर के आप ख का उच्चारण करते हैं। इसलिए व्यंजन के लिए हमको स्वर की, स्वर ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि स्वर के लिए हमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वतः उच्चरित होती है और व्यंजन में हमको सहायता करती, सहायता लेनी पड़ती है। फिर नीचे लिखो व्यंजन ध्वनि में या व्यंजन ध्वनियों को, लिखना व्यंजन ध्वनियों को पूर्ण अवरुद्ध होकर, पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है। व्यंजन ध्वनियों को पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से, या संकीर्ण मार्ग से, संकीर्ण मार्ग यानी आपके गले से, मुंह से, आप से, कंठ से घर्षण करके जब आगे आप आएंगे, उसके बाद आपका जीभ है, फिर वहां पर आपके 32 दांत हैं, फिर कहीं आगे वो दांतों की बनावट, फिर जीभ की बनावट, आपके मुंह का शेप, उस हर चीज यहाँ पर असर करता है। हर चीज का प्रभाव आपके उच्चारण पर जाता है। अगर आपका ये सारे सारे 32 दांत, जीभ, आपका गाल, आपका गला, आपका नाक, आपका कान सही सलामत है तो आप कर सकते हैं, और कहीं भी कुछ कम बेसी है तो फिर उच्चारण में गलतियां होंगी, सुनने वाला गलत सुनेगा, और फिर है ना वो कहते हैं ना बात दिल से निकले तो जुबा तक पहुंचे, और जब जुबा कह दे तो न जाने कहाँ तक पहुंचे, है ना। आगे लिखे तो सुनने वाला गलत सुनेगा, कुछ और समझेगा, एक बदल जाएगी तो तमाम। तो या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर, संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर, या दोनों पार्श्वों से निकल, मध्य रेखा से हटकर या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, सर या रिपीट कर किसी दीजिए। भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। तो संकीर्ण मार्ग से घर्षण करके निकलना पड़ता है मध्य आगे। निकलना पड़ता है अपने हिसाब से, कॉमा फुल स्टॉप देना भाई। घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर, मध्य रेखा से हटकर, या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, बगल से, तुम्हारे बीच में कंठ है, कंठ के बगल से, या जो गला है वो गला के साइड साइड से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। तो ये व्यंजन इस प्रकार लिखे, तो लिखे कि नहीं लिखे,
तो समझ लीजिए, फिर ऊपर से समझना जरूरी है, एक बार आप समझेंगे तो फिर जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और आप अपने हिसाब से कितना नहीं सकते, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, वो आपने आवाज हवा निकाली, हवा निकालने के बाद वो फिर ऊपर निकला, गले तक आया, उसके बाद आपको जो चीज निकालना है, कौ निकालना है, खौ निकालना है, गौ निकालना है, तो आप देखना सबको जरा ध्यान से बैठ करके एकांत में सब जरा सबका उच्चारण करके जरा मार्क करना कि किस समय कौन सी हवा और किस समय कहाँ से ये उच्चारण हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आप अ का उच्चारण करो, उसके बाद उसके बाद क का उच्चारण करो, फिर ख का उच्चारण, देखो जमीन आसमान का अंतर पाए। अ का उच्चारण करो, बड़े प्यार से उच्चारण हो गया अ, उसके बाद क का उच्चारण करो। थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ा क्योंकि हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ी, कंठ से, ये आवाज कहाँ से निकली, कंठ से आवाज निकली, हमारे यहां से गले से टॉन्सिल के पास से आवाज निकली। उसके बाद ख, क और ख में देखो कितना अंतर हो गया, ख में फिर ह भी जुड़ा है और उसके साथ हवा भी बहुत जोर से हमको निकालनी पड़ी, प्लस हमको कितना मेहनत भी करना पड़ा, ठ हमको कितना मेहनत करना पड़ा, वहीं पर र को बोलो, स को बोलो, कितना आसानी से। तो उन्हीं व्यंजन ध्वनियों में भी कितने कई प्रकार हैं, स्वर के उच्चारण में भी कई प्रकार के अप डाउन होते हैं, तो पहले उन्हीं का हमको वर्गीकरण करना है। हेडिंग लिखो, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। फिर और क्या रिपीट करेंगे, और समय नहीं है, और किसको रिपीट करेंगे, व्यंजन स्वरों और का ध्वनि है। वर्गीकरण। हाँ, थैंक यू स्वरों पर, स्वरों का मैम, ग्रुप वर्गीकरण। बना दिया गया है, उसमें आप ऐड हो जाइए, उसमें सब कुछ नोट्स मिलेंगे। प्लीज सर के पास 1 ही घंटा है पढ़ाने के लिए, रिपीट नहीं कर पाएंगे सर, समझिए। आपको नोट्स ग्रुप में मिल जाएंगे। हाँ अच्छा, यहाँ पर नोट वाली बात बोली तो एक बात और मैं बोलूंगा कि आप लोग जब इग्नो में एडमिशन लिए हैं तो आप समय की सीमा क्यों नहीं समझते, और समय के हिसाब से आप फिर क्लास अटेंड क्यों नहीं करते, इसलिए वो सारे बहानेबाजी को दूर रखिए, और क्लास जब समय है तो क्लास के समय आप सारे काम छोड़ करके आइए। वहां पर आप ये मत बोलिए कि मेरा वो क्लास था तो मेरे को मार्केट जाना था तो मेरे को नहीं आ सकी, वो बेकार की बात है। When you kill the time, time will kill you. याद रखना जिंदगी में, When you kill the time, time will kill you. बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता, इसलिए क्लास की महत्ता को समझिए और क्लास में आने की कोशिश कीजिए, दूसरे के नोट्स पर भरोसा मत कीजिए। अपने आप पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं, पीजी पढ़ रहे हैं, खुद के ऊपर आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, मटेरियल लीजिए, किताबें खरीदीजिए, रेफरेंस बुक खरीदीजिए, आपकी लाइब्रेरी में कम से कम 100 बुक होने चाहिए पीजी से संबंधित, नहीं है तो छोड़ देनी चाहिए। बात ऊपर तब जाकर मैं पढ़ दे, है ना, चलिए मेरी बातों का बुरा मत माना, मैं सच बोलता हूँ, चलिए आगे बढ़िए। स्वरों का वर्गीकरण यानी जो हम स्वर, ओ आई, तो स्वर ध्वनि क्या होती है, एक पहले समझ लीजिए, स्वर ध्वनियां एक प्रकार की गूंज होती है जो अंदर अंदर गूंजती रहती है, कभी मुंह के माध्यम से, कभी नासिका के माध्यम से, कभी अनुनासिक के माध्यम से, वो कभी नाक में गूंजती है, कभी मुंह में गूंजती है, ये सब अंदर अंदर गूंजती रहती है। तो वो जब वो गूंज जब कभी जबड़ा या कौवा, कौवा यानी टॉन्सिल, या ओठ, या तुम्हारा जीभ या दांत के साथ जब उच्चारण करते हुए, जब उसी को, क्योंकि उसी पर निर्भर करती है, मुख्य है हवा, हवा ये दांत, जीभ, नाक, कान, ओठ, ये सब पर आधारित होती है, निर्भर होती है। अब इनसे लग करके कभी जीभ ऊपर स्पर्श होती है, कभी जीभ नीचे स्पर्श होती है, कभी जीभ बीच में स्पर्श होती है, तब जहां जहां स्पर्श हो उस हिसाब से ध्वनियां निकलती हैं, स्वर निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स है, दंते स है,
दंतेस्वा को अगर आप उच्चारण अगर करना चाहते हैं तो आपको अपनी जीभ को दंतेस्वा बोला गया, आपकी जीभ को दांत से लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने अपनी जीभ को दांत से नहीं लगाया तो दंतेस्वा का उच्चारण आप सही ढंग से कभी नहीं कर सकते। 300 है दंतम और धनेश्वर तालब्य स्वर, लेकिन लोग इनकी इसकी बारीकी को नहीं समझ पाते और सभी स्व को दंतेस्वर बना देते, जबकि ऐसी बात नहीं है। तालब्य स्व में वो जीव आपका तालु में लगना चाहिए, तभी शंकर वाला स्व हो पाएगा और तभी शंकर वो प्रसन्न हो पाएंगे आपकी भक्ति से, नहीं तो प्रसन्न नहीं होंगे जिंदगी भर या जितनी भी भक्ति कर। तो इन बारीकियों को हम देखेंगे आगे। नंबर 1 लिखो, लिखो हेडिंग स्वरों सर स्वरों का एक बार वर्गीकरण। हाँ तीनों स का एक बार आप उच्चारण करिए ना सर, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी तीनों डिस्टर्ब का, यू। हाँ नहीं हाँ नहीं कोई सर बात एक बार नहीं, बता। तीनों स जो हम तीनों हाँ, देखो स का एक बार उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन आप करिए, मैं एक बार देखना है। हाँ ठीक है, चढ़ करो। हेलो ये दंतेस्व, जी सर, दंतेस्व का पहले क्या है? दंतेस्व सौ, वाह सौ सड़क, सर ये दंतेस्व शलगम है। के स को क्या बोलते हैं? दंत शलगम से तो मतलब फिर वो सड़क वाला स, सड़क है, जी हाँ में जो स लगता है वो हो गया दंतेस्व यानी दंत स, नहीं सर देखो भी आवाज अक्सर दांत से लगते हैं वो मतलब, दंतव्य होते हैं, जो तालु से लगते हैं वो तालव्य। हाँ यानी मतलब और जिसका जितना ज्ञान शलगम उसको उतना, उसको मालूम है सड़क वाला स ही दंत स होता है। हाँ, अच्छा और सुनो तालु वाला दूसरा, श्र श्र एक और षटकोण उसके वाला बाद स हो गया, वो होता होता है श्र। है सुनो, मैं मुझे इसमें सुनो जो ये पहले। वर्तस्य दे रखा है, एक स ज र ल, ये वर्तस्य लिखा नहीं हुआ है सुनो इसको। जी सुनो ना, उसको छोड़ जाना, तो उसमें भटक जाओ, मैं बता रहा हूँ। एक है दंते स, एक है तालब्य स, एक है मूर्धन्य स। पहले दंते स का उच्चारण मैंने किया स, यानी यहां पर उच्चारण में ध्यान देना, मेरी जीभ दांत से लगी तब वो स हुआ। आप अपनी जीभ को दांत से लगाइए फिर स बोलिए, और या सड़क बोलिए या संसार बोलिए, तब इसका सही उच्चारण होगा। हो गया। अब आइए तालब्य स, यहाँ पर जीभ में बिल्कुल नहीं लगेगा, आपकी तालु चली जाएगी कहाँ? ऊपर। अरे आपकी जीभ चली जाएगी कहाँ? ऊपर। श, अरे श थोड़ा सा लगेगा आपका जीभ में, अरे दांत में, बाकी वो ऊपर घुमा हुआ रहेगा, है ना? श, उसको बोलते हैं श, यानी शलगम या शंकर, थोड़ा सा घुमा रहेगा वहां, यानी तालु में लगना जरूरी। ये हुआ शंकर, शंकर या शिव, इस तरह। उसके बाद हुआ ये तुम्हारा मूर्धन्य स्व। मूर्धन्य स्व में क्या होता है, दोनों के बीच में दंते स और तालब्य स के बीच में बहुत प्रेशर देके, जब आपकी जीभ वहां पर दांत से लगी रहेगी और वहां बहुत प्रेशर दे करके हवा निकालनी पड़ती है, तब वहां पर मूर्धन्य स होता है ना? श यानी श्री कृष्ण। तो कृष्ण में क्या है, थोड़ी सी हवा रुकी भी, थोड़ी सी हवा निकल भी गई, उसके बाद दांत में भी लगी और तालु में भी लगी, तो दोनों के बीच में ये मूर्धन्य स आती, मूर्धन्य स वाला स्थिति आती है, जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है, जी हिंदी में सर बहुत अभी कम क्लियर होता हो गया, थैंक यू सो मच सर, अभी क्लियर हो गया है। सर। बात में तो आप पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थी आरंभ कीजिए, समझे? पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट में आकर के ये सारी गलतियां देखो, ये जबकि ये क्लास 1 की चीज है, लेकिन आज पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने के बाद भी लोग नहीं पकड़ पाते, जबकि ये चीजें क्लास 1 में पढ़ाई जाती है, लेकिन ढंग से पढ़ाया नहीं जाता इसीलिए लोग समझ नहीं पाते। तीनों को सबको एक कर देते सर मैं आपसे हैं। पूछ रही थी ताकि मैं बच्चों को भी आगे अच्छे से सिखा सकूं, क्योंकि ये ठीक है, मैं अच्छी यहाँ बात पे आगे गलतियां नहीं करना चाहती थी सर, क्योंकि मैं है, बच्चों को बिल्कुल अगर सिखाऊं तो आपका, आपसे पूछ कर क्लियर करके मैं अच्छी चीजें सिखाऊं, इसीलिए सर मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कर बिल्कुल रही हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल।
और धन्यवाद। यानी पोस्ट ग्रेजुएट में गलती करना अक्षम्य है, मैं तो क्षमा नहीं करूं कभी भी। आगे बढ़िए। तो स्वर लिखे, स्वरों का वर्गीकरण निम्नांकित आधारों पर किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण निम्नांकित आधारों पर किया जाता है। नंबर वन, जीभ का भाव। जीभ का भाव, देखो जीभ में क्या होता है, तीन तीन भाव होते हैं उसके। लिखना, अग्र, मध्य, पश्चिम होते हैं। अग्र ऊपर लिखना, ऊपर लिखना अग्र, पीछे नीचे लिखना मध्य, फिर नीचे लिखना पश्चिम। याद रखना जीभ के तीन भाव होते हैं। और आप जो खट्टा मीठा तीता टेस्ट करते हैं ना, वो एक ही जगह से टेस्ट नहीं करते। कुछ टेस्ट सामने से आगे से होता है, कुछ टेस्ट बीच से होता है, कुछ टेस्ट पीछे से होता है, तब जाके आप टेस्ट कर पाते हैं। एक ही जगह से हर टेस्ट नहीं होता है। तो अग्र, मध्य, पश्च। उदाहरण में लिखो, अग्र, अग्र में जहां आप अग्र लिखे हो तो वहां पर लिखो छोटी बड़ी, ये अग्र स्वर है, जिसमें जिसके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग महत्वपूर्ण काम करता है। जब ई ए करते हैं तब जीभ का अग्र स्वर काम करता है। फिर मध्य स्वर में आ जाओ, वहां लिखना अ आ, आप उच्चारण करके स्पष्ट आपको पता चलेगा। ई का उच्चारण करो, वो अग्र स्वर में लिखना, फिर मध्य स्वर में लिखो अ आ, तुरंत हम मध्य आ गए। अंतर समझ में आ रहा? तो उसके बाद फिर नीचे पश्च में लिखो, पश्च स्वर में उ ओ ओ ओ हो गया। नंबर टू, हाँ वो सब आप पढ़ाते रहिएगा। जब जीव जीव के नंबर टू, जीव के व्यवहृत भाग की स्थिति, भाग की स्थिति, तो जीव वो आपने देखा अग्र हो चाहे मध्य हो चाहे पश्च हो, तो उसमें क्या है, जीव कभी अग्र में, कभी मध्य में, कभी तालु में, कभी काफी पास, कभी काफी दूर, ऐसा चला जाता है। तो इसको भी चार प्रकार, चार भेदों में बांटा गया है। पहले आप लिखो संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर में वही लिखेंगे उ, फिर नीचे लिखो अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त ए ओ, ए ओ, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर ए ओ, ए ओ, ये अर्ध विवृत स्वर है। ए में देखो एक चीज और बता दूं, ए में आप ए के ऊपर एक ही मात्रा देना, डबल मात्रा मत देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डबल दे देते हैं। ए में ए के ऊपर कुछ नहीं लगता, ए बोलने से एक लगता है। लेकिन जब आप कै बोलेंगे तो कै के ऊपर आपको दो लगाना पड़ेगा, लेकिन ए के ऊपर, ए जब ए बोलेंगे तो आपको एक ही ठो लगाना पड़ेगा, एक ही मात्रा ऊपर लगेगी। तो अर्ध विपरीत स्वर में लिखिए ए औ। उसके बाद विपरीत स्वर में लिखो आ आ। उसके बाद नंबर थ्री, नंबर थ्री सर बोला, एक बार रिपीट कर दीजिए। समृद्ध स्वर में ई उ, ध्यान से लिखिए, छोटी बड़ी लिखना, छोटा हो बड़ा हो लिखना, छोटी बड़ी लिखना आता है तो। जी सर जी, बड़ी कैसे लिखेंगे, ई में एक मात्रा लगेगी ई में सर, इसे एक वाला ई। ईक वाला, ई के ऊपर रेफ लगाएंगे। हाँ, और बैप बड़ा ऊ कैसे लगाएंगे। लिखेंगे, हाँ
इमली इमली वाला, और बड़ा वो आपका उल्लू वाला हो जाएगा, छोटा वो ऊन वाला हो जाएगा। उल्टा बोल गए, उल्टा बोल गया, उल्टा बोल गई, उल्टा बोल दिया आप, उल्टा बोल रहे हो आप। अरे कुछ नहीं लगेगा, ऊ में कुछ नहीं लगेगा और ऊ में कुछ नहीं लगेगा, कंफ्यूज हो गई मैं। ऊ में कुछ नहीं लगेगा और बड़ा ऊ में एक नीचे लकीर आ जाएगा, ओम जैसे लिखते हैं ना, ओम ओम जब लिखते हो तो वहां पर ऊ के नीचे एक पूछ उसकी लगाते हैं, तो ऊ का पूछ बनाना पड़ेगा। छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन। यस उल्लू। हाँ, उसके बाद अर्ध समवृत्त ए ओ, अर्ध विवृत ए औ और विवृत स्वर आ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओष्ठों की स्थिति। सर लास्ट वाला क्या बोला? सर क्या बोला? आ लास्ट बोला, वाला क्या बोला आपने? विवृत स्वर में आ, विपरीत विपरीत स्वर में आ आएगा, और विपरीत उससे नहीं पहला है, विवृत है, विवृत विवृत। जी, उससे ऊपर अर्ध विवृत शब्द था। अर्ध विवृत स्वर था, शब्द नहीं है, स्वर, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना। जी जी हाँ हो गया। ओष्ठों की स्थिति, जी अब देखो सर, नंबर थ्री, धन्यवाद। नंबर थ्री ओष्ठों की स्थिति में देखो क्या है। कभी कभी हम अपने ओठ को, अपने ओठ को गोल घुमा करके स्वरों का उच्चारण करते हैं, जैसे ऊ फटाफट लिखिए, ऊ ओ आओ, उसको लिख लीजिए। ओष्ठों की तिथि में क्या होता है, हम ओठों को वृत्ताकार करके गोल घुमा करके जब उच्चारण करते हैं तब क्या है, ऊ ओ औ, इन स्वरों का हम वृत्ताकार करके, ओष्ठों को वृत्ताकार करके उनका उच्चारण करते हैं। हो गया। जी सर, और उसी को कभी कभी, ये तो इसको हम वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं, जब हम गोल घुमाते हैं अपने ओष्ठों को, एक होता है इसको आप लिख देना वृत्तमुखी स्वर, फिर नीचे लिखो आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी में क्या होगा, आपको घुमाना नहीं पड़ता, बिना घुमाए अपने अपने सुंदर सुंदर ओठों को बिना घुमाए आप क्या करते हैं, आप जब उच्चारण करते हैं जैसे अ आ ए ए, ये बिना घुमाए आपने उच्चारण किया है, इसको लिखिए आवृत मुखी। तो वृत्त मुखी में उ उ ओ औ और आवृत मुखी में अ आ ई ए आए। हो गया। उसको लिखो मात्रा, मात्रा मात्रा में भी मुझे और बताने की जरूरत नहीं है, इसमें दो प्रकार की मात्रा होती है, कौन कौन सी, कौन कौन सी मात्रा मात्रा होती है, छोटी और बड़ी, रस, दीर्घ रस्व और ह्रस्व दीर्घ। दीर्घ सा, ह्रस्व दीर्घ, हैं ह्रस्व मात्रा सा दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा, ह्रस्व मात्रा दीर्घ मात्रा, या उसको छोटी या बड़ी जो जिसके ह्रस्व हिसाब और से कह सकते, दीर्घ। दीर्घ दीर्घ नहीं जी दीर्घ, वही बोला। दीर्घ आई बात समझ में, गलत उच्चारण मत कीजिए। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो ह्रस्व स्वर में क्या है, छोटे छोटा ई छोटा ऊ, और दीर्घ स्वर में बड़ा ई बड़ा ऊ बड़ा ए ओ, ये सब उसमें आ जाएगी। ह्रस्व स्वर में लिखो छोटा ई छोटा ऊ अ ई ऊ, और दीर्घ स्वर में लिखिए आ बड़ी बड़ा ऊ ए ओ औ। वाह। उसके बाद लिखो, रिपीट करना एक बार। फिर रिपीट करें, बस खाली लिखो मात्रा दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, खत्म। बाकी ह्रस्व स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन, तुमको पता है। वृत्तमुखी नेक्स्ट, स्वर के आपने कौन से बताए थे? सर ये तो बहुत पीछे हो गया, कहाँ रही हो तुम अभी, आगे बढ़ो लिख लिया थोड़ा मैंने उसको। आगे का भी, बट वो मेरा रह गया था। हाँ तो ठीक है, रखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो मौखिक स्वर। मौखिक स्वर में क्या होता है, मतलब यहां पर वो जो हमारा कौवा है, कौवा को
जो तुम्हारा जो टॉन्सिल है अंदर, एक कौवा है उसको टॉन्सिल, कभी कभी वो ऊपर हो जाता है, कभी कभी नीचे हो जाता है। तो जिसके उस चरण में कौवा ऊपर उठकर नासिका विवर को बंद करता है और सारी हवा मुंह से निकलती है, तब वहां पर वो मौखिक स्वर होता है। और उसका उदाहरण लिखो, अ आ ई, यानी जब कौवा ऊपर उठकर नासिका विवर को बंद कर लेता है, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जब कौवा ऊपर उठकर नासिका विवर को बंद कर लेता है और सारी की सारी हवा मुंह से निकल जाती है, तब यह मौखिक स्वर होता है। अ आ ई, मतलब जहां तक कौवे का प्रश्न है, ब्रैकेट में लिखना कौवे की स्थिति के हिसाब से। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जिसके उच्चारण में कौवा बीच में लटकता रहता है, जिसके उच्चारण में कौवा बीच में लटकता रहता है और हवा का कुछ अंश नाक से निकलता है। अनुनासिक स्वर में कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो नाक से बोलते हैं, तो अनुनासिक स्वर में जिसके उच्चारण में कौवा बीच में लटकता है और हवा का कुछ अंश नाक से निकलता है, जैसे आ, उ, ए, आप लिख लीजिए, हाँ, आ, जितने भी आप स्वर हैं, स्वर लिखना यहाँ पर याद रखना, व्यंजन मत लिख, तो उसको आप वहां लिख लीजिए। उसके बाद सर आप आ जैसे सर जाइए, वो सब तो बता रही है और क्या, जैसे आ हाँ, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जीभ के चल या अचल होने के आधार पर। जीभ के चल ये कौन लिख रहा है, जब आपको लिखना है तो आप फिर पढ़ने की, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता क्या है बताओ, जब आपको निकाल कर लिखना है वहां पर, तो मेरे पढ़ाने की आवश्यकता क्या है, मुझे पढ़ाने दो, नहीं तो आप पढ़ाइए। पॉइंट्स लिखिए, समय बहुत कम है। जीभ के चल या अचल होने के आधार पर, नेक्स्ट पॉइंट, मुंह के मांसपेशियों की शिथिलता के आधार पर, उसके बाद आप लिखिए, सर रिपीट कर एक बार दीजिए, रिपीट करिए ना। रिपीट कर दीजिए, मुंह के मुंह के मांसपेशियों की शिथिलता के आधार पर, जैसे वो सर इसकी कोई हेडिंग शिथिल है या होने पर, डायरेक्ट जैसे है? नहीं, पॉइंट है ये, पॉइंट जी है, अ ई उ, ये छोटे अ ई उ, ये सब शिथिल शिथिल स्वर है। इसमें मांसपेशियां को कुछ बिल्कुल हलचल करनी नहीं पड़ती, जैसे ट ठ ख, ये आपको मांसपेशियों को हलचल करना पड़ता है, तो इसमें कुछ हलचल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्वर तंत्रियों की स्थिति। स्वर तंत्रियों की स्थिति हो गया। उसके बाद बहुत सारे फोटो बनाए गए होंगे, उस फोटो को आप किताब में देखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्यंजन स्वनों का वर्गीकरण। हेडिंग लिखो, व्यंजन स्वनों का वर्गीकरण।
इसको चार प्रकार से बांटा गया है। नंबर वन, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। नंबर टू, स्वर तंत्रियों के आधार पर। सर क्या बोला है आपने, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। नंबर टू, स्वर तंत्रियों के आधार पर। नंबर थ्री, उच्चारण के आधार पर। और नंबर चार, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो ये चार प्रकार के व्यंजनों का वर्णन की। सर तीन क्या है? प्राण, पहला देखो प्राणत्व के आधार पर, दूसरा स्वर तंत्रियों के आधार पर, तीसरा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और चौथा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो बस एक उदाहरण मैं दे देता हूं आपको। पहला देखो, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। इसके दो भाग होते हैं, एक ऊपर लिखो अल्प प्राण और नीचे लिखो महाप्राण। ये प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण कैसे समझेंगे आप? जैसे आप कॉपी में लिखो जरा, क ख ग घ, पता है आपको? किसी को पता है? आप विद्वान लोग हैं, जरूर पता, बहुत विद्वान विद्वान यहाँ बैठे हैं। सर पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। हाँ बस उतना ही है। तो पहला दूसरा जो है, जो अल्प प्राण है उसको लिख लीजिए। हाँ, जो अल्प प्राण है उसको लिख लीजिए और जो महाप्राण है उसको लिख लीजिए। यानी जिसको बोलने में समय नहीं लगता है ना, हृदय की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अल्प प्राण है, आसानी से हम बोलते हैं उसको। और काव्य शास्त्र के शब्द में जहाँ पर वो मधुर गुण होता है ना, मधुर गुण का जहाँ पर बात आती है, वो सब इस अल्प प्राण वाले शब्दों में, अरे स्वरों में होते हैं। और मतलब, और जहाँ पर ट ठ वीर रस वाली बात होती है, ओज गुण है, वो महाप्राण। ख ठ ख घ छ झ ठ, ये सब महाप्राण है। ये हो गया नंबर टू लिखो। अरे नंबर टू, स्वर तंत्रियों के आधार पर, ये उसी का भाग है। ये स्वर तंत्रियों के आधार पर, इसके भी दो भेद हैं, घोष और अघोष। घोष और अघोष। तो जहां पर कंपन नहीं होता है वो अघोष कहलाते हैं, और जहां पर कंपन होता है वो घोष कहलाते हैं। जहां पर कंपन नहीं होता वो अघोष, और जहां पर कंपन होता है वो घोष है। जैसे अघोष में लिखो क च ट त प के प्रथम और द्वितीय, क च ट त प के प्रथम और द्वितीय अघोष है। क च ट त प यानी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, इसका प्रथम और द्वितीय ये है अघोष, बाकी सब घोष। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के, आप जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय आपका हर चीज काम करता है, आपका जीभ काम करता है, आपके दांत काम करते हैं, आपकी टॉन्सिल काम करती है, आपका जीवा, आपका मुख विवर, आपका गला, आपका नाक, आप हर चीज काम कर रहा है, लेकिन जीभ और दांत का रोल ज्यादा है। तो बहुत सारे व्यंजन, प्राय व्यंजन जीभ और दांत के प्रयोग के बिना नहीं हो सकते, तो उसको भी कई भागों में बांटा गया है। पहला लिखो द्योष्ठ्य, द्योष्ठ्य, द्योष्ठ, दोनों ओठ जहां मिलते हैं प फ व। उसके बाद लिखो दंत्योष्ठ्य, द्योष्ठ्य, पहला द्योष्ठ्य यानी दो नोट जब मिलते हैं
तो दुष्ट कराते हैं, जैसे प फ ब भ म, बिना ओठों के उच्चारण के, दोनों बिना ओठों के स्पर्श से आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद दंत्योष्ठ, दांत और ओठ दोनों, निचला ओठ ऊपरी दांत पंक्ति के सामने वाले दांत से संपर्क स्थापित होना चाहिए। फिर वायु का अवरोध करता है फ, फ और ब इसी तरह का अक्षर है या व्यंजन है। लिखे दंत्योष्ट लिखे यशोदा जी सर, लिख लिया जी सर, लिख लिया। ओके ओके, उसके बाद लिखो दंत्य, क्या करा आपने, हाँ और कौन सा, फ फ फ और ब, फल वाला फ और बल वाला ब। हाँ, बच्चों की तरह समझाओ बैठ करके आप। दंत्य, दंत्य में लिखो, क्लियर हो रहा है? जब टीचर है तो यही है कि ऐसे ही समझाना पड़ेगा। हाँ, जब जब आपकी जीभ दांत से लगी हो तो ये दंत ध्वनि कहलाती है। इसमें त थ द ध भी आ जाएंगे सब, इसमें दंत्य में त थ द ध। उसके बाद लिखो वर्त्स्य, वर्त्स्य व अदत्त स के ऊपर रेफ य, वर्त्स्य लिखे। इसमें क्या है, जब आपकी जीवा की नोक दांत पंक्तियों के ऊपरी हिस्से के मसूड़े से संबद्ध होकर, मसूड़े से संबद्ध होकर वायु को रोकती हुई बाहर निकलती है, जैसे नौ रो। आप अक्षरों का घर में बैठ करके शाम को एक एक करके स्पष्ट उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप ये सारी चीजें स्वर वर्गीकरण और व्यंजन वर्गीकरण एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी कोई भी है ये हाथी घोड़ा नहीं, हाथी घोड़ा लग रहा है क्या? सर आपने जो इसके ऊपर लिखवाया जब जीभ दांत से लगी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोली? जो आपने अभी ऊपर लिखवाया जब जीभ दांत से लगी हो तो उसको क्या बोलते हैं, इसकी हेडिंग क्या थी? दंत, 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 दंत भी क्या है वो त थ द ध ये सब क्या है, जीव दांत में लगती है तभी इसका उच्चारण कर सकते हैं आप, नहीं तो कभी नहीं कर सकते। जी जी सर। उसी से मिलता जुलता और है, जब आपकी जिह्वा नाक दांत, अरे जिह्वा की नोक जो है दांत के जो ऊपरी हिस्से के मसूड़े से संबद्ध होकर जब बाहर निकलती है तब वो वर्च कहलाती है, जैसे नौ। यानी ऊपरी दांत तो लगे ही लगेगी, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर और जाएगा वो, मसूड़े से लगना जरूरी है तभी आप नौ का उच्चारण कर सकते हैं। और अगर आपकी वहां पर अगर आपके दांत नहीं है, अजीब कुछ आगे पीछे है, तो वहां नौ का उच्चारण म हो जाएगा और नौ का उच्चारण ब हो जाएगा या र हो जाएगा, जो कि वो दूसरी तरफ वो चला जाएगा। सर उसे तो तालु बोलते हैं ना, जिस मसूड़े के बारे में बोल रहे हैं आप? मसूड़ा आगे का पोर्शन है दांत के ठीक ऊपर, दांत के ठीक ऊपर और नीचे मसूड़ा है, बीच में जो है ऊपर है ना वो तालु है जी। तो उससे हम न र ल ये सब उसको हम वर्त से बोलते हैं। उसके बाद लिखो कठोर तालव्य, कठोर तालव्य जब जिह्वा का अग्र भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, हाँ, जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, फिर जब निर्गत वायु या प्रश्वास को अवरुद्ध करता है तब वहां पर ध्वनि कठोर तालव्य या सामान्य तालव्य कहलाता है। इसका उदाहरण में लिखो आप च, यहाँ यहां पर आपको जबरदस्ती दबाना पड़ता है, च छ ज य, ये सब इसके उदाहरण है। उसके बाद लिखो मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य में लिखो क्या है, मतलब जब ध्वनि के उच्चारण में क्या होती है,
जिह्वा की नोक, जिह्वा की नोक उलटकर आपके मूर्धा पूरा ऊपर का संस्पर्श करे, और जो अंदर से हवा जब बाहर आ रही है उसको रोक करके फिर उच्चरित करे। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट ठ। सर रिपीट कर दीजिए जो आपने भी डिफाइन लिखवा बोली, मैंने जब कुछ ध्वनि विशेष उच्चारण में कुछ जीवा। मतलब मैंने कुछ बोला नहीं लिखने के लिए, बस समझा रहा हूं, फिर भी लिखो। जिह्वा की नोक उलट कर जब मूर्धा का स्पर्श करे, जिह्वा की नोक उलट कर जब मूर्धा का स्पर्श करे, और ध्वनि को रोक कर, ध्वनि को रोक कर जो फिर ध्वनि उच्चरित करे। रोकना मतलब वहां पर 1 घंटा के लिए नहीं रुका, वो जस्ट सेकंड से भी कम समय के लिए रुका, वो ध्वनि उच्चरित करे, वह मूर्धन्य ध्वनि कहलाती है। जैसे ट ठ, संस्कृत में श, हिंदी में ट ठ को लोग नहीं प्रयोग करते, बस षट को लोग वाला स ही बोलते हैं अधिकतर। तो लगभग समझ लो खत्म हो गया है, खाली एक ही पॉइंट रह गया है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। इसको अपनी किताब में कहीं देख लेना, या कभी समय मिला तो मैं पढ़ा दूंगा। 3:10 हो गया है, ग्रुप तो बनाया हो ना, फिर कभी मौका मिलेगा तो क्लास कर देंगे। इसलिए आज की क्लास यही खत्म, फिर अगले क्लास में मुलाकात करेंगे। सर करा दीजिए, मेरा कंप्लीट हो क्लास जाएगा, एग्जाम है सर मेरा अगस्त में इसका 7 हाँ, तो अभी तो और टाइम नहीं, फिर मेरा 4 बजे से क्लास है, अभी और टाइम नहीं है। तो उसके बाद फिर कभी बोलना मैं बता दूंगा, किसी दिन समय निकाल करके मैं बता दूंगा। तुमको किताब मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, और भाषा विज्ञान किसी भी रटे किताब, आप लोगों ने भाषा सर विज्ञान किसी बुक भी में रटे, एक्चुअली कंप्लीट नहीं है, हम लोग बुक करी है डीपली, हम लोग स्टडी भी करी है, लेकिन बुक कौन में सी ना मतलब बीच बीच से उड़ाया, मतलब कंप्लीट नहीं मिलता टॉपिक कोई किसमें भी। ये मटेरियल भी नहीं मिलेगा तुम? जी सर इग्नू में सर, जैसे मेरे पास ग्रामर की दूसरी बुक है ना, अगर मैं उससे कंपेयर करती हूँ ना, तो बुक में बीच में से दे रखा है, कंप्लीट नहीं होता टॉपिक। हाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। भाषा विज्ञान की किताब आपको खरीदनी पड़ेगी, ग्रामर से नहीं मिलेगा आपको। जी आपके सर है वो। भाषा विज्ञान की किताब खरीद लीजिए, बहुत सर सारे किस राइटर्स राइटर हैं, की, किस राइटर बहुत सारे राइटर, किसी भी अच्छे राइटर खरीद लो, राइटर बहुत सारे हैं। मैं किस किस के नाम, बाबूराम सक्सेना है।